तो आज हम बात करने वाले हैं मेंटल स्टेट के बारे में कि अपने आप को मेंटली कंपोज्ड कैसे रखना है ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। एंड ये एक ऐसी स्किल है जो आपको कोई भी सिखा नहीं सकता है इन अ क्लासरूम, वो आपको खुद ही डेवलप करना है। बट आपको कुछ ना टिप्स दे सकता हूँ अपनी तरफ से, और ये चीज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि टेस्ट का जो आपका दे रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट और डिटरमाइनिंग होता है ऑफकोर्स। तो उसमें भी अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है कि आपका मेंटल स्टेट कैसा है ना, आपका मेंटल स्ट्रेंथ कितना है ना। तो वो सब के बारे में बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना बिफोर वॉचिंग एंड मतलब वीडियो एंड होने पर। वहाँ पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह लिंक किए हैं जिनसे आप इन सब के बारे में और पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अकेडमी उसका आर्टिकल भी है जहाँ पे आप और डेप्थ में ये सब पढ़ सकते हो, तो देख लेना। बट अब बात करते हैं यार मेंटल स्टेट के बारे में। तो देखो ये चीज़ मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी एंड से स्टफ लाइक कि हम एग्जामिनेशन रूम में, कि हमारा घर पे तो काम हो जाता है एंड वी आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम एट होम, बट व्हेन वी गो इन अ टेस्ट रूम, जब क्लासरूम में जाते हैं जब जब टेस्ट लिखने, तब पता नहीं क्या होता है कि वी लूज कंट्रोल एंड बिल्कुल बेकार पेपर हो जाता है या मार्क्स नहीं आते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है, और ये मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स इन IIT JEE है ना। तो अब हम बात करते हैं इसके पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट रीजन जो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबल होगा वो ये है कि आपकी प्रिपरेशन सच में अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि प्रिपरेशन अच्छी है। इसका क्या मीनिंग है वो मैं समझाता हूँ कि देखो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं बहुत सारे 11th 12th में, कि आपकी कोचिंग की शीट आप जब सॉल्व कर रहे हो ना, उसको सही तरीके से सॉल्व नहीं करते, और उनको लगता है कि उनको सब आता है लेकिन आता उनको नहीं होता है। और टेस्ट में क्या होता है, आपके सामने कुछ रेफरेंस वगैरह तो है नहीं, तो आप फिर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो देखो उसका सलूशन ये है कि जब आप घर पे होमवर्क कर रहे हो ना, उसको सच्चे तरीके से करना है। सच्चे तरीके से करने का मतलब क्या है कि आप जब होमवर्क कर रहे हो तो उससे पहले आपके पास कोई नोटबुक नहीं होनी चाहिए, कोई शीट नहीं होनी चाहिए, कोई फॉर्मूला बुक नहीं होनी चाहिए, है ना। केवल आपकी जो DBP की जो कॉपी है वो होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, और एक रफ कॉपी या जो होमवर्क कॉपी है वो होनी चाहिए, और एक टाइमर, बस यही होना चाहिए। और टेस्ट में भी यही होता है ना, जो एग्जामिनेशन होता है उनमें भी यही होता है। तो उससे क्या होगा कि आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे कि मेरे को नोट्स देखने हैं, कि मेरे को ये देखना है, मेरे को वो देखना है, और टेस्ट में भी आपके पास कोई भी नोट्स नहीं रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है टेस्ट सिचुएशन को घर पे एमुलेट करने का, है ना। अब आप बोलोगे कि यार कभी कभी ऐसा होता है ना यार कि कोई क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा होता है। तो देखो पहली बात ये कि क्वेश्चन सॉल्व करने तभी शुरू करने जब थ्योरी क्लियर हो, आपको फॉर्मूला याद हो, आपको थ्योरी के जो भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं वो अच्छे से पता हो, जो फैक्ट्स हैं वो सब पता हो केमिस्ट्री में, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है, होमवर्क तब शुरू करना है ना। अब देखो अब बोलोगे कि यार फॉर्मूला तो हमें क्वेश्चन से याद होता है, तो यार फॉर्मूले क्वेश्चन से याद होता है सही बात है, तो तुम्हारी थ्योरी में एग्जाम्पल्स दिए हैं उनसे याद करो ना, क्वेश्चन फॉर्मूला याद करो ना उनसे। एक थ्योरी में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, दिए होते हैं हर थ्योरी बुक में, एग्जाम्पल थ्योरी बुक या कोचिंग मॉड्यूल जो भी है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे ना, उनमें आप फॉर्मूला याद कर लो उनके थ्रू, और फिर क्वेश्चंस को आप टेस्ट की तरह देखो, है ना। टाइमर लगा कि एकदम फिक्स कर लो कि यार 1 घंटे में मुझे 30 क्वेश्चन बनाने, 40 क्वेश्चन बनाने, 20 क्वेश्चन बनाने, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, जो क्वेश्चन आ रहा है कर लो, जो नहीं आ रहा है उस पर सर्कल लगा लो, है ना। ये करने के बाद आप उस 1 घंटे के बाद अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना तो दिमाग में हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपने गलती की है, आपने टेस्ट में मार्क्स खोए हैं आपका, जो घर पे आप टेस्ट कर रहे हो, तो आप वो फॉर्मूला हमेशा याद रखोगे और फिर उस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करना है। तो ये तरीका होता है सही घर पे होमवर्क करने का। अब आपने यही नहीं किया एंड आप फिर बोलते हो कि यार मैं टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाता, वो इसलिए नहीं कर पाते कि प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं है, और आपको लगता है कि आप होमवर्क सही से कर रहे हो, आपको लगता है आपको सब आता है बट आ नहीं रहा होता है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये सॉल्व करो, है ना। और मुझे लगता है 90% लोगों के केस में यही इशू रहता है। और क्योंकि देखो एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि यार अगर तुम्हें अगर V=U+AT फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया, और तुम्हें अगर सच में क्वेश्चन आती है, तो तुम कितने भी प्रेशर में तुम सबसे पहले उसे सॉल्व करोगे, क्योंकि तुम एक्साइटेड हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें वो चीज़ आती है ना। अब तुम नर्वस कब फील करोगे जब तुम्हें आता नहीं है और तुम ट्रबल में आ रहे हो, है ना। और वहाँ तक भी नहीं कि तुम्हें लगता था कि तुम्हें सब आता था बट यू डिडेंट स्टडी इट वेल, तो ये चीज़ पहले क्लियर करनी है। अब फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एंगजाइटी रहती है एग्जाम में, और वो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है केवल आपके साथ हो रहा है, सबको फील होता है। AIR 1 को भी फील होता है, मुझे भी फील होता था, है ना, कि आप एग्जाम में क्या होगा, क्या कैसे नहीं, वो सब होता है। तो देखो उसके लिए कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। पहला ये कि आपको एग्जामिनेशन से 1 दिन पहले बिल्कुल चिल रहना होता है ना, अच्छे से नींद लो, रिलैक्स रहो, कुछ फालतू का सोचना नहीं है।
तो एक चीज़ तो मैं देखता हूँ कि जो टॉपर लोग बिल्कुल नहीं करते और जो सारे एवरेज स्टूडेंट्स करते हैं ना, कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले गंदा वाला रट रहे हैं सब, है ना, ये कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं करता है। टॉपर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से एक दिन पहले एकदम चिल मारते हैं, रिलैक्स रहते हैं। मैं एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेता था, मतलब 2 हफ्ते पहले शुरू करके एग्ज़ाम से N-1 डे पे मैं प्रिपरेशन ख़त्म करके आराम से सो जाओ लास्ट डे। और एग्जामिनेशन मुझे सबसे अच्छे इसलिए लगते थे क्योंकि उससे एक दिन पहले मेरे को रेस्ट करना मिलेगा, तो उस दिन कुछ पढ़ना नहीं है ना। तो ये एक अच्छा रिवॉर्डिंग मैकेनिज्म भी हो गया। अब ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो लेट रहे हो, वो नहीं, बट ट्राई करो कि थोड़ा पंक्चुअल रहो और एग्जाम से एक दिन पहले रिलैक्स रहो एकदम, है ना। उससे क्या मेंटल टेंशन कम हो जाती है। अब तुम लोग क्या करते हो, एग्जाम से पहले ऑटो में बैठ बैठ के पढ़ रहे हो कि भाई ये फॉर्मूला भूल तो नहीं गया, तो फिर तुम्हारे दिमाग में क्या क्या करके आओगे फिर तुम एग्जाम में, है ना। तो ये चीज़ एक समझनी है कि फालतू का टेंशन दिमाग में नहीं लेना है, ठीक है। अब फिर भी क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं कि यार चलो हमने रिलैक्स भी कर लिया, हमें तैयारी भी अच्छी है, बट फिर भी वो थोड़े इनसिक्योर रहते हैं, इसलिए उनकी मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। मतलब कि उनको ऐसा लगता है यार कि मैं तो अच्छे से पढ़ के जाऊंगा तब भी मेरे मार्क्स कम आएंगे, तब भी मेरी रैंक नहीं आएगी, ये बहुत लोग का रहता है। क्योंकि है IIT टफ, है ना, रैंक तो कम आएगी आपकी क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं। तो देखो उसमें क्या समझना है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखो IIT का खेल ऐसा है कि आप 2 साल तक अगर अड़े रह गए ना, 2 साल तक कंसिस्टेंट रह गए, मैं यहाँ हार्डवर्क की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्मार्ट वर्क या इंटेलिजेंस की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ 2 साल तक अड़े रहने को। अड़े रहने का मतलब क्या है, आपकी क्लासेस में रोज जाना, क्लासेस छोड़ना नहीं बीच में, और होमवर्क रोज करके आना, भले ही थोड़ा ही किया बट किया, है ना, सारे टेस्ट देना। आपका जो 2 साल का प्रोसेस है पूरा अगर आपने कंसिस्टेंटली कर लिया ना, आपका IIT में नहीं तो किसी न किसी अच्छे कॉलेज में पक्का होगा ही होगा, है ना, होगा ही होगा, तय है वो, कोई नहीं रोक सकता उस चीज़ को। तो आपको ये सब तो सोचना ही नहीं है कि आपकी रैंक अभी कम आ गई तो मेरा IIT में नहीं होगा या हो जाए, वो सब नहीं सोचना है। IIT एक लॉन्ग टर्म गेम है, 2 साल का खेल है, ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट से कुछ डिटरमाइन होता है। आपको करना क्या है कि आपका टेस्ट हुआ उससे सीखो कि आपने क्या गलतियां की, उन पे इम्प्रूव करो, ये आपका पूरा मोटिव है टेस्ट का, है ना। तो आपको ये तरह की टेंशन दिमाग में नहीं लेनी है कि मेरी रैंक आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपकी टेस्ट की रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या टेस्ट की रैंकिंग आई है, फर्क इससे पड़ता है आपने नॉलेज कितना गेन किया है, आपने सीखा कितना है उस टेस्ट से, केवल इस चीज़ से फर्क पड़ता है ना। तो आपका जो टेस्ट देने से मोटिव भी यही रहना चाहिए कि टेस्ट है, देखो मैंने 2 हफ्ते तैयारी की है, अब मैं टेस्ट देने जा रही हूँ, तो अब उस टेस्ट से मैं मैक्सिमम नॉलेज गेन करना है मुझे, अपने नॉलेज का टेस्ट लेना है, एंड मैंने जो भी गलतियाँ की हैं उनसे मुझे सीखना है ना। ये आपका मोटिव होना चाहिए टेस्ट का, ये नहीं होना चाहिए कि मैं रैंक लेके उससे आगे आ जाऊंगी पीछे रह जाऊंगा, री रैंक हो जाएगी, पेरेंट्स हो, वो सब नहीं सोचना है। केवल ये जो मैंने बोला वही सोच के जाना है टेस्ट देने। ये सोच के जाओगे तो वो टेंशन दिमाग में रहेगी ही नहीं कि यार टेस्ट में क्या हो, मतलब वो सब रहेगा ही नहीं फिर आपको कि रैंक कम, वो इनसिक्योरिटी ही चली जाएगी, है ना। और एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि ये इनसिक्योरिटी इसलिए भी आती है क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन आपको लगता है कि अच्छी नहीं चल रही है, बट जैसा मैंने बोला IIT लॉन्ग टर्म गेम है, केवल इसमें वही बचेगा जो लंबी देर तक खड़ा रहेगा। ज़रूरी नहीं है आप मोस्ट इंटेलिजेंट हो, ज़रूरी नहीं है आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ज़रूरी है कि आप पूरे 2 साल उस चीज़ में लगे रह जाओ, है ना। थोड़ा सा ही सही बट लगे रह जाओगे तो तुम कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे, ये फिक्स है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, या तो 11th में छोड़ देंगे बीच में, फिर 12th में वापस चालू करेंगे, या 12th में लास्ट में छोड़ देंगे, नहीं 11th में शुरू करो लास्ट तक कंसंट्रेशन के साथ लगे रहो, होगा, है ना, ये एक रहता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट में सिल मिस्टेक करके आते हैं बहुत सारे एंग्जाइटी की वजह से, तो देखो उसमें मैकेनिज्म डेवलप करो उस चीज़ से बचने के। जैसे पहली चीज़ ये कि OMR जो आप भरते, अच्छा OMR का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है ना, कोई बात नहीं, बट ठीक है। तो भी मतलब एक ये है कि आप लोग अगर अपना वो भर रहे हो ना NTA में, जो ऑनलाइन वाला जो होता है आपका जो भी सिस्टम, उसमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन स्विचिंग जो है वो अगर आपको नहीं आ रहा है तो फटाफट करते जाओ, क्योंकि क्या है कि उससे आपका दिमाग पे टेंशन रिड्यूस होती है ना। जैसे आप एक ही क्वेश्चन पे अगर उलझ गए 1 मिनट तक जो आपको आता ही नहीं है, तो आप फिर ऐसा सोचोगे, नेगेटिव थॉट्स डेवलप होते हैं। इसके बजाय अगर आप 5-5 सेकंड में यार नहीं आया अगले पे आ गए, नहीं आया अगले पे आ गए, तो हर तीसरा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आता होगा अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो उससे क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है यार कि यार ठीक है पहले 2 क्वेश्चन नहीं आए पर तीसरा तो कर लिया, 30% तो आ गए, पास तो हो गया IIT। तो ये मैंने कुछ आपको टिप्स बताई हैं जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ी बूस्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ टेस्ट की मेंटल प्रिपेयर्डनेस, है ना। और ये इशू बहुत छोटा है इशू, इसलिए कोई बोलता नहीं है, बट ये बहुत लॉन्ग वे में इफेक्ट करता है आपको, है ना।
सो आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, बहुत सारी लिंक्स मैंने डाले हैं, बहुत सारे टेस्ट प्रिपरेशन की बुक्स वगैरह भी हैं, अकेडमिक्स का आर्टिकल भी है, मेरे सोशल हैंडल्स भी हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।